बारिश के चलते रद्द हुआ इंडिया और कनाडा के बीच होने वाला वर्ल्ड कप का महामुकाबला अब आज इतने बजे होगा शुरू। जी हां दोस्तों, आखिरकार बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत और कनाडा के बीच खेले जाने वाला वर्ल्ड कप का मुकाबला आज कब, कहां और कितने बजे से होगा शुरू, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आपके मुताबिक टीम इंडिया क्या इस बार T20 विश्व कप का खिताब जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लोरिडा के लॉडरहिल स्टेडियम में जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। भारत और कनाडा का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। लॉडरहिल में भारत कनाडा मैच रद्द हो गया और इसकी बड़ी वजह मैदान गीला होना था। मैच से पहले देर रात को फ्लोरिडा में भारी बारिश हुई थी और इसकी वजह से मैदान गीला रहा। ग्राउंड को सुखाने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन ग्राउंड स्टाफ नाकाम रहे। लॉडरहिल में सिर्फ भारत और कनाडा का ही मैच रद्द नहीं हुआ, इससे पहले दो और मुकाबले भी यहां रद्द हुए हैं। श्रीलंका और नेपाल के बीच खेले जाने वाला मुकाबला जहां रद्द हुआ, तो वहीं अमेरिका और आयरलैंड का मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि भारत और कनाडा के बीच जब ये मुकाबला रद्द हो चुका है, तो फैंस ये जानना चाहते हैं कि आज टीम इंडिया और कनाडा के बीच ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ICC ने किसी भी मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा है, यानी कि जो मुकाबला कल रद्द हो चुका है वो आज दोबारा खेला नहीं जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस लगातार यही मांग कर रहे हैं कि टीम इंडिया और कनाडा के बीच खेले जाने वाला मुकाबला आज दोबारा शुरू होना चाहिए, लेकिन ICC के नियमों के मुताबिक इन मुकाबलों के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है। ऐसे में आपको टीम इंडिया और कनाडा के बीच ये मुकाबला दोबारा देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपके मुताबिक टीम इंडिया और कनाडा के बीच ये मुकाबला आज होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।